गाइज आज के इस वाले वीडियो के अंदर Lightroom एंड Pixar टैब का यूज करके कुछ इस तरीके से फोटो को एडिटिंग करना सिखाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हो फोटो कितनी मस्त एडिट हुई है एंड गाइज बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव लग रही है। गाइज यहाँ पे देख सकते हो इस फोटो का बैकग्राउंड फुल HDR में ब्लर किया गया है एंड गाइज फेस को देख सकते हो फुल HDR में जो है स्मूथ किया गया है, ठीक है, ओनली Lightroom एंड Pixar टैब का यूज करके। तो गाइज आप लोग भी कुछ इसी तरीके से फोटो को एडिटिंग करना सीखना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को ना शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा बिना स्किप किए। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो 100% गारंटी के साथ है ना कि आप भी अपने फोटो को बहुत ही आसानी से इस तरीके से एडिटिंग करना सीख जाओगे। तो चले बिना किसी देरी के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। हाँ तो गाइस सबसे पहले अपनी गैलरी से नॉर्मल फोटो को सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद शेयर वाले आइकॉन पे क्लिक करके इस फोटो को जो है आप सबसे पहले आपको Lightroom में शेयर कर लेना है। उसके बाद जो है आपको Lightroom एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। चलिए मैं Lightroom एप्लीकेशन ओपन करके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। हाँ तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैं Lightroom एप्लीकेशन ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ ऑल फोटो पे आपको क्लिक करके यहाँ से अपने फोटो को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही यहाँ पे आपको एडिटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लाइट के ऊपर एक ऑटो का ऑप्शन मिलेगा तो ऑटो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। ऑटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही लाइट की एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगी। उसके बाद यहाँ कलर वाले ऑप्शन पे आपको आ जाना है। कलर वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे मिक्स टूल का एक ऑप्शन मिलेगा तो उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से सैचुरेशन को फुल 100 कर देना है इंक्रीज करके और यहाँ से आपको ह्यू को इंक्रीज करके यहाँ से आपको 12% कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको येलो कलर सेलेक्ट कर लेना है। येलो कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सैचुरेशन को फुल 100 कर देना है कुछ इस तरीके से इंक्रीज करके और ह्यू को भी इंक्रीज करके फुल 100 कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड जो है ग्रीन सा टोन आ चुका है बैकग्राउंड के अंदर। तो उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है कि ऑरेंज कलर को आपको सेलेक्ट कर लेना है और ऑरेंज कलर सेलेक्ट करने के बाद सैचुरेशन को आपको डिक्रीज करना है और सैचुरेशन को डिक्रीज करके यहाँ से रख लेना है माइनस में 59% और यहाँ से आपको ल्यूमिनस को इंक्रीज कर लेना है। ल्यूमिनस को इंक्रीज करके यहाँ से 14% कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको रेड कलर को सिलेक्ट कर लेना है और सैचुरेशन को यहाँ से थोड़ा सा आपको इंक्रीज कर लेना है लगभग 16 के अराउंड आपको रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है। अब यहाँ से आपको नीचे जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ से आपको टेक्सचर की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस में 6% और यहाँ से क्लियरिटी की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस में 6% और यहाँ से DS की वैल्यू डिक्रीज करके माइनस में 8% कर लेना है। यहाँ पे विगनेट की वैल्यू जो है डिक्रीज कर लेना है आपको माइनस में 8% और यहाँ से मिड टोन की वैल्यू जो है डिक्रीज करके यहाँ से आपको रख लेना है माइनस में 41%। यहाँ से फेदर को थोड़ा सा इंक्रीज करना है आपको 63% और राउंडनेस को भी थोड़ा सा इंक्रीज करके 31% कर लेना है। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाना है डिटेल्स वाले ऑप्शन पे। डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद शार्पनिंग को आपको यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे 10% और नॉइज रिडक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज करके यहाँ से आपको 82% कर लेना है। अब यहाँ से कलर नॉइज रिडक्शन को हल्का सा इंक्रीज कर 7% और यहाँ से आपको स्मूथनेस को फुल 100 कर देना है ताकि फेस जो है फुल HDR में हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको डन कर लेना। डन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इस फोटो को बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। उसके बाद इस फोटो को जो है यहाँ पे शेयर वाले आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ से इस फोटो को जो है Pixar एप्लीकेशन में शेयर कर लेंगे, ठीक है, शेयर टू पे क्लिक करके। हाँ तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं Pixar एप्लीकेशन में फोटो को शेयर कर लिया हूँ। तो उस Pixar एप्लीकेशन में शेयर करने के बाद यहाँ सबसे पहले तो आपको टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से रिसाइज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको कोई भी नंबर आपको टाइप कर लेना है और यहाँ से आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रिसाइज करना है। यहाँ पे नीचे आपको शो करेगा तो उसको आपको देख लेना है और फिर से आपको नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ताकि आपकी फ़ोटो की क्वालिटी ना घटे और यहाँ पे आपको रिसाइज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते यहाँ पे एक ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा तो ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेकेंड नंबर वाले ब्लर को आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेकेंड नंबर वाले ब्लर को सेलेक्ट करते ही आपके फुल मतलब बैकग्राउंड जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी और फुल ब्लर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको 100 कर देना है इसको ताकि जो है फुल HDR में ब्लर हो जाए। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ पर इरेजर वाला ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा तो इरेजर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको इरेजर को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से हार्डनेस को जो है कम कर लेना है आपको और यहाँ से ब्रश का साइज आपको बढ़ा लेना है हल्का सा और यहाँ से आपको इरेज कर लेना है। नीचे से देख सकते हो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आपको करना है। यहाँ से नीचे से आपको इरेज कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो इस तरीके से जो आपको नीचे से इरेज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो HDR में ब्लर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देंगे। देन गाइज यहाँ पे फोटो को देख सकते हो HDR में ब्लर हो चुके हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम जो एक PNG को ऐड करने वाले हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले ऐड वाले ऐड फोटो पे आपको क्लिक करना होगा। कैसे यहाँ पे देख सकते हो इस वाले PNG को आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ से ब्लेंड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो ब्लेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करते हैं यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरीके से देखने को हो जाएगी। उसके बाद इसको फुल स्क्रीन कर लेना है, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। और फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके राइट कर लेना है, साइड में देख सकते हो यहाँ पे। और राइट करने के बाद यहाँ पे फोटो को देख सकते हो, ये फोटो जो है एडिट हो चुकी है, यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है ड्रॉ वाले ऑप्शन पे, ठीक है। ड्रॉ वाले ऑप्शन पे आने के बाद इस फोटो को सेव करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ सेव इमेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और ये फोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी।